तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है कि ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। एक्स का वैल्यू फाइंड करके और प्रूफ कर देना है कि क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है। बहुत इजी तरीके से, सिर्फ जो है इसको क्या करना है, आपको यहाँ ये 50 डिग्री एंगल दिया गया है, ये एक्स है, तो एक्स प्लस 50 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। इसको हम जो है भूल जाते हैं, सिर्फ ये ए बी एक लाइन है और इधर से एक ट्रांसवर्सल लाइन गया हुआ है, ये 50 डिग्री का है, ये एक्स है, तो एक्स प्लस 50 डिग्री करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। कहाँ से, लीनियर पेयर से। मीन्स कि इसको हम लोग सीधा सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे कि 50 प्लस एक्स, ये 50 है, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको लिख लेना है। कहाँ से, लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर से, और यहाँ जगह नहीं है तो लिख देते लीनियर पेयर से। कहाँ से, लीनियर पेयर से, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ 3 1, इतना डिग्री। एक्स का वैल्यू आ गया है कितना, 130। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 130, और वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू हो गया है आपका 130, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स कि यहाँ क्या आ गया है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या है, 130 डिग्री इक्वल है। मीन्स कि एक्स एंड वाई इज क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्स एंड वाई आर क्या, अल्टरनेट, सो ए बी पैरेलल टू किसका, ये सी डी का। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। सीधा एक्स और वाई यहाँ आपको लिख लेना है, कहाँ, लीनियर पेयर से, फ्रॉम लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमको जो फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। इसमें इस तरह से दिया गया है, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, वो गिवन हमको जो लिख दिए हैं। अल्सो ए बी पैरेलल टू ई एफ हम अपने से लिख रहे हैं क्या, कि ए बी पैरेलल टू ई एफ है, क्यों, ए बी जब इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ए बी इसके पैरेलल क्यों नहीं होगा। लाइन पैरेलल टू सेम लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर होता है, तो आपको इतना लिख लेना है। और ये गिवन है, वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। मीन्स कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ ये सी डी लाइन अभी नहीं है तो ए बी पैरेलल टू ई एफ है, तो एक्स और जेड क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, कहाँ से, अल्टरनेट से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक्स इज इक्वल टू जेड हो गया है, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहाँ से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। आपको समझ में आया होगा, हम बता दिए थे ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एक साइड का जो हम चाबी दिए हैं उसका लिंक इस वीडियो में है, आप देख लीजिए, वो चाबी है कि ये और इसका हमेशा इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन का एक साइड का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम आपको अब बता दिए हैं। तो इसी में हम अब निकालेंगे सम ऑफ रेशियोज, क्या, सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3:7 इज इक्वल टू 10। सम ऑफ रेशियो क्या हो गया, 3:7 इज इक्वल टू 10 हो गया है, 3:7 इज इक्वल टू
टेन, तो हम लोगों को x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x मेरा कितना रेशियो है, x इज इक्वल टू y है दिया गया, x इज इक्वल टू z है दिया गया ना, तो z मेरा कितना है, 7 है, तो 7 अपॉन 10 इंटू 180 डिग्री और इज इक्वल टू 7 8 56 को 6 और 7 1 7 और 5 कितना हो गया 126 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया है, x इज इक्वल टू 126 डिग्री, और यही तो हमको फाइंड करना था। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 126, और जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें जो है हम क्या किए हैं कि सर जेड एक्स इज इक्वल टू 7 क्यों लिए, तो यहाँ हम x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x इज इक्वल टू जेड है, तो रेशियो निकाल के आंसर आ गया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, कि 3 देखते हैं, इसमें जो है बहुत सारा एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी है, और एफ ई जो है परपेंडिकुलर किस पे है, सी डी पे है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का, और ये गिवन है कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126, ये गिवन जी ई डी इज इक्वल टू 126 ये पूरा, और ये 90 डिग्री का है, ये कितना है 90 का है। तो अब जो है जो जो हमको फाइंड करना है, जैसे ए जी ई फाइंड करना है, तो ए जी ई को हम क्या मानेंगे, एक्स लिखेंगे, ए जी ई एंगल ए जी ई को एक्स लिखेंगे, और हमको फाइंड करना है एफ जी ई उसको जेड, और जी ई एफ उसको वाई, ये एक्स वाई जेड हमको फाइंड करना है बुक में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो है कितना आसान तरीके से फाइंड करेंगे उसको आप देख लीजिए, कि जब जो है ये दिया गया है हमारा, ये 90 है और ये 120 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा 126 जो है माइनस 90, y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 126 माइनस ये 90 है यहाँ से यहाँ तक, माइनस कितना 90 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया है 6 और यहाँ 12 में 3 36 डिग्री, आपको समझ में आ गया होगा। जब ये पूरा दिया गया है कितना 126, तो हमको ये सिर्फ निकालना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दिया गया 126 ये निकालना है, और ये हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री का है एंगल, तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू सीधा निकाल देंगे कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ रीज़न आप लिख सकते हैं या एक लाइन और इसमें जो है बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है। तो आपको समझने के लिए इसको हम इस तरह से बहुत ईजी वे में बता रहे हैं, मीन्स y इज इक्वल टू सीधा 36 आ गया है। अब जो है ये जब 36 आ गया है, तो एक बात बताइए, एक फिगर हमको और ड्रॉ करना होगा, कि एक लाइन इधर हम इस तरह से खींच दिए हैं, और ये इस तरह से लाइन खींचे हैं, ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है, ये क्या है सी डी है, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका जी पॉइंट है, ये क्या है जी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया है 126 दिया गया है। तो हमको निकालना है ए जी और ये आपका ई है, ए जी ई निकालना है, ये इसको एक्स मान है, तो ये क्या ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स इज इक्वल टू 126 कहाँ से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल से, एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब एक्स जो है कितना हो गया, एक्स मेरा 126 आ गया है, तो जेड हमको नहीं निकाल लेंगे, ये ए बी एक क्या है, ए बी एक लाइन है, तो एक लाइन है इस तरह से, अगर हम एक लाइन इधर ए बी खींच दें और ये इधर इधर इस तरह से एक लाइन खींच दें इस तरह से, तो अब आप बताइए कि ये
और ये दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो ये ए बी लीनियर, ए बी एक लाइन है तो लीनियर पेयर बना रहा है ना। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग सीधा, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहाँ से? लीनियर पेयर से। कहाँ से? लीनियर पेयर से। कहाँ से? ये लीनियर पेयर से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से आ रहा है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो लीनियर पेयर से आ गया है x, x हमको पता है कितना 126, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 126, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया 4 और यहाँ जो है 72 तो 554 डिग्री, जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री आ गया है। जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू, ये अब हम तो वाई निकाल ही चुके हैं, तो ये आपका, ये आपका और ये आपका आंसर आ गया है। वाई इज इक्वल टू, अगर हम लोग पहले एक्स और जेड निकाल लेते और उसके बाद वाई निकालते तो क्या कहते, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कह के भी इसको दो तीन तरीक़ा से सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए है, ये आपका जो है इसको आप जो है आंसर कैसे लाएंगे। जेड इज इक्वल टू आ गया है तो आप लिखेंगे कि ए जी ई इज इक्वल टू 126 और फिर लिखना है आपको ए ई एफ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 136, ये 36, इस तरह से करके आपको आंसर अपने से लिखना है। अब आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा।